आदाब, जय हिंद। मैं न्यूज इंडिया टाइम रिपोर्टर अनिल शाह। आज मैं कजगांव उर्दू स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर निवाड़ोक जन जागृति मुहिम बात की जाएगी और इस बात के लिए मैं हमारे जो टीचर से तनवीर सर, मैं इनसे बात करूँगा। सर, निवाड़ोक जन जागृति क्यों जरूरी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में यूएन कॉन्स्टिट्यूशन में हर भारतीय नागरिक जो 18 साल का है उसे यह हक दिया है कि अपना वोट का इंदराज कराए, वोटर लिस्ट में अपना नाम डाले, वोटर कार्ड तैयार करे और अपना वोट का हक बजा लाए ताकि एक अच्छे नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजा जाए, मंत्रालय में भेजा जाए और हुकूमत का कारोबार चलाए। सर, निवाड़ोक जन जागृति से समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि आज का जो दौर है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में पब्लिक बहुत बिजी हो गई, जनता बहुत बिजी हो गई है, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वोट की अहमियत को नहीं समझते, तो उनके लिए एक संदेश, एक मैसेज ये पहुंचाया जा रहा है कि वोट का इस्तेमाल करो, क्योंकि वोट अपनी ताकत है, आम जनता की ताकत है, जनता के हाथ में है कि किसको हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजा जाए, मंत्रालय में भेजा जाए, कैसा नुमाइंदा होना चाहिए कि जो जनता के काम को समझे, जनता के लिए कुछ सहूलियात मुहैया करे, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। सर, आखिरी और सबसे अहम सवाल, निवाड़ोक जन जागृति अभी क्यों शुरू की जा रही है और वो भी टीचर्स को साथ लेकर? एक कहावत है कि जब आप खुले तब सवेरा, जो हो गया वो पिछला उस पर भूल जाना चाहिए, लेकिन अब जो सरकार ने ये समझा है कि टीचर ही एक ऐसा नुमाइंदा है कि जो कंस्ट्रक्टर, टीचर इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द नेशन, ये जो तो समाज को गढ़ने का काम करता है, समाज को तैयार करता है और आम जनता का जितना विश्वास एक आम नेता पर नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास, भरोसा एक टीचर पे होता है, एक शिक्षक पे होता है और शिक्षक की बातों को समाज बहुत ध्यान से, सीरियसली सुनता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मुहिम के जरिए समाज को बताया जा रहा है कि वोट अपनी ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करो और सही नुमाइंदे को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजो, मंत्रालय में भेजो या किसी सरकारी दफ्तर में भेजो, ताकि एक अच्छी हुकूमत बने और पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो और एक अच्छा देश तैयार हो, अच्छी सोसाइटी तैयार हो।